जय श्री राम दोस्तों, प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा के एक नए वीडियो में एक बार फिर आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस प्रभु श्री राम वनवास मार्ग की यात्रा में इस वक्त मैं महाराष्ट्र के नासिक में हूँ। प्रभु श्री राम नासिक में लगभग 2.5 वर्ष थे और नासिक में आपको कई जगह पर प्रभु श्री राम के वनवास पे बिताए हुए दिन के प्रमाण मिलते हैं। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण स्थान है रामशेष का किला। प्रभु श्री राम जब पंचवटी में वास करते थे तो पंचवटी के पास में एक पर्वत पर वो अपनी शेष बिछाकर जो है विश्राम करते थे, इसलिए इस जगह को, इस पर्वत को रामशेष कहा जाता है, क्योंकि प्रभु श्री राम यहाँ पर सेज लगाकर विश्राम करते थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रामशेष पर्वत की यात्रा करने वाले हैं। रामशेष जो पर्वत है, ये महाराष्ट्र के इतिहास से भी जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस जगह पर मराठाओं और मुगलों के बीच में एक भीषण युद्ध हुआ था। मुगलों ने लगभग 5.5 साल तक अपनी पूरी सेना, अपनी पूरी ताकत लगा दी थी इस रामशेष के किला को जीतने के लिए, लेकिन रामशेष के इस किले पर मराठाओं ने मुगलों को ऐसी टक्कर दी कि 5.5 साल तक युद्ध होने के बाद भी रामशेष का किला मुगल जीत नहीं पाए। इसलिए इस किले को अजिंक्य अजय किला भी कहा जाता है, क्योंकि ये किला कभी हारा नहीं। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है ये प्रभु श्री राम वनवास मार्ग की यात्रा में और महाराष्ट्र के इतिहास में। तो आज के इस वीडियो में हम इस रामशेष पर्वत की यात्रा करेंगे। ये जो जगह है, ये पंचवटी से लगभग 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पे है। पंचवटी से और नासिक के CBS से यहाँ आने के लिए लगातार बसेस मिल जाती है। जो यहाँ किले के पास जो गाँव है उसे आशेवाड़ी गाँव कहते हैं। आधे घंटे में आप नासिक से यहाँ आशेवाड़ी गांव में पहुंच जाएंगे। बसेस यहाँ गांव तक आती है और उसके बाद यहाँ गांव में एक मारुति मंदिर है और मारुति मंदिर के पास से ही रामशेष पर्वत की जो ट्रैकिंग है, जो यात्रा है, वो शुरू हो जाती है। यहाँ आने पर आपको पार्किंग मिलेंगे जहाँ पर आप अपनी गाड़ी खड़ा कर सकते हैं, 40 रुपया कार का और 20 रुपया जो है वो मोटरसाइकिल का। और आप जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है अजिंक्य रामशेष माझा अभिमान और किले रामशेष, तो ये लिखा हुआ है छत्रपति शिवाजी महाराज की यहाँ पे फोटो लगाई गई है। ठीक इसके पीछे आप देख सकते हैं रामशेष का किला। मैं ऊपर चलूंगा, आपको पूरा इतिहास बताऊंगा और ये लड़ाई कैसी हुई ये सारी बताऊंगा। यहाँ पे मंदिर का नक्शा दिया हुआ है। ये जो जगह है ये वन संरक्षण क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पे वन विभाग के पोस्टर लगे हैं और नीचे आपको प्रभु श्री राम वनगमन मार्ग का भी बोर्ड मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। अब हम यहाँ से हमारी यात्रा करते हैं और मैं आपको बताता हूँ ऊपर श्री राम जी का मंदिर कैसे है और ऊपर आप जाएंगे तो आपको क्या क्या चीजें देखने मिलेगी। यहाँ थोड़ा आगे आप चल के आएंगे तो देखिए यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू है, तो यहाँ से सीढ़ियाँ चल रही है, चलते हैं आगे। यहाँ किले में एक चीज अच्छा है कि यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं है, सीधा रास्ता है, तो आप सीधे सीधे रास्ते से आपको चलना है। हो सकता है सीढ़ियाँ होंगी आगे, लेकिन शुरुआत में जब आप ये ट्रैकिंग को स्टार्ट करेंगे तो आपको सीधा रास्ता ही मिलेगा। और यहाँ का बाहर का दृश्य देखिए बहुत ही सुंदर है। सामने एक छोटा सा पहाड़ है और वहाँ पे भी आप देखेंगे तो पहाड़ है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ से। और यहाँ से चलना है, ज़्यादा ऊँचाई पर नहीं है, लगभग ये समुन्द्र तल से 3000 फुट की ऊँचाई पर ये पहाड़ है, ये किला है। तो चलते हैं आगे, धीरे धीरे चल रहा हूँ, कोई है नहीं, मैं अकेले ही आया हूँ यहाँ पर। रामशेष किला में एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे जो चलने का रास्ता बनाया गया है ये बिल्कुल पहाड़ के कॉर्नर से बनाया गया है। मुगल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी इस किले के ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन वो चढ़ नहीं पाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये नीचे खाई है पूरा, और ये खाई है और यहाँ से जो है ये सीढ़ियाँ हैं एकदम बिल्कुल पहाड़ के एज एज से जाती है, ये साइड साइड से ऐसे जाती है। यहाँ जो लड़ाई हुई थी उस समय मुगल ने सोचा था कि ये किला वो एक दिन में जीत लेंगे। उन्होंने सबसे छोटा और सबसे आसान किला चुना था लड़ाई के लिए, और जब वो यहाँ पर आए तो यहाँ पर आने के बाद उन्हें इतना कड़ा मुकाबला मिला, उन्हें सालों लग गए लेकिन वो इस किले पर चढ़ नहीं पा रहे थे। तो ऐसा भी कहा जाता है कि मुगल की जो उस वक्त की सेना थी वो ऐसा मानती थी कि ये जो किला है इसमें किले में भूत रहते हैं और वो भूत जो है वो उनके साथ लड़ाई कर रहे हैं। तो इस किले को जीतने के लिए मुगलों की जो सेना है उन्होंने तांत्रिक विद्या का भी इस्तेमाल किया था। इतने छोटे किले से कैसे लोग हमसे लड़ पा रहे, तो उन्होंने तांत्रिक को लाया था। वो तांत्रिक ने भी सांप लेकर ऊपर गए थे, सारी कहानी है। और वो तांत्रिक के ऊपर भी पत्थर फेंका गया, फिर वो तांत्रिक और वो जो सेना थे वो सब भाग के आ गए। तो इस किले के कहानी इतिहास में ऐसा भी माना जाता है कि ये जो किला है
इसमें एक ऐसी अफवाह फैल गई थी कि भूतों के साथ मुगल की सेना लड़ रही है, लेकिन वो भूत नहीं थे, वो मराठा के जो वीर मावले थे जो अपनी ज़मीन, अपने किले और अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे। चलता हूँ मैं, पहले आपको मंदिर के दर्शन कराऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपको पूरी कहानी जो है इतिहास है वो बताता हूँ यहाँ की। ये देखिए, ऐसे पत्थरों से भी आपको चढ़ के ऊपर जाना होगा। देखिए ऐसे कोने कोने से ही रास्ता है, तो चलते हैं ऊपर। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे ग्रिल्स लगाया हुआ है, पकड़ के चलने के लिए थोड़ा आसानी होगा। यहाँ रामसेस के किले पे आने के लिए आपको आसेवाड़ी गांव में आना पड़ता है और आसेवाड़ी गांव से ही आप ऊपर आ सकते हैं। लेकिन जो प्राचीन काल में किले का निर्माण किया गया था, तो किले का जो मुख्य भाग था, जो प्रवेश द्वार था, वो दूसरी तरफ था, आगे की तरफ पहाड़ के उस पार था। और ये जो आसेवाड़ी वाला जो रास्ता है जहाँ से अभी हम जा रहे हैं, ये पहाड़ का पीछे वाला भाग था और ये बहुत कठिन रास्ता था। मुगलों की सेना ने कोशिश भी किया था कि पीछे से एक टुकड़ी को भेजने के लिए, लेकिन यहाँ से भी आना बहुत ही मुश्किल था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, ये सीधे सीधे दीवार है ये, और ये सीधा ऐसे आप देखेंगे पूरा नीचे खाई है। तो जो भी सेना अगर नीचे से भी अगर आएगी तो ऊपर से बैठे हुए लोगों को दिख जाता था और वो वहां से हमला करते थे। तो पत्थर फेंक के हमला किया जाता था और उन पत्थरों के हमले से ही जो सेना थी, जो मुगल सेना थी, वो लौट के नीचे जाती थी। लगभग आधा घंटा चल के आया हूँ और अब मैं मंदिर के पास पहुंच गया हूँ। लगभग अभी यहाँ से मंदिर की 50 सीढ़ियां ही है श्री राम मंदिर की, लेकिन यहाँ पे बारिश भी शुरू हो गया है और ये एक बड़ा दिक्कत वाला काम हो गया, क्योंकि मैं कुछ लाया नहीं हूँ, ना छतरी है मेरे पास, ना कोई बैग है, ना कुछ है। तो एटलीस्ट चलो अच्छा हो गया, बारिश आने तक मैं मंदिर तक तो पहुँच गया हूँ। तो चलता हूँ, पहले आपको श्री राम जी के दर्शन कराता हूँ। तो ये जो मंदिर है ये गुफे के अंदर है और ये एक बहुत बड़ी गुफा है, और ये पहले आपको गुफा का एक कमरा मिलता है, उसके बाद आप ये मुख्य गुफा में आते हैं जहाँ पर प्रभु श्री राम जी की मूर्ति स्थापित की गई है। मैं आपको दर्शन कराता हूँ प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी के और हनुमान जी की। ये है यहाँ पर श्री रामसेज पर्वत पर गुफा में ये प्रभु श्री राम जी की मूर्ति, और यहाँ पे जो है उनकी चरण पादुका स्थापित की गई है। दोस्तों ये है यहाँ के मुख्य पुजारी श्री राम बालक दास त्यागी जी, और ये काफी वर्षों से यहाँ पर इस गुफे में रह रहे और यहाँ पे मंदिर की देखभाल कर रहे हैं। इससे पहले यहाँ पर जो दूसरी मूर्ति थी, लेकिन बाबा जी ने यहाँ पर जयपुर के संगमरमर से बनाकर ये मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर जब ये आए थे तब यहाँ पे बहुत सारे जो पत्थर के चरखी, खाना बनाने के सब बर्तन बहुत प्राचीन प्राचीन काल के पत्थरों के थे, लेकिन कहने लगे कि एक के बाद यहाँ से जो गांव के लोग, आसपास के लोग यहाँ से चीजें वो ले जाने लगे। हाँ, जो चीजें अच्छा लगा लगने लगा वो ले गए, लेकिन उसके बाद जब से बाबा जी ये देखभाल कर रहे हैं तो ये इसे बड़े बड़े अच्छे से संभाल के और अच्छे से सजा के रख रहे हैं। और ये सारे दुर्गम स्थान है, दंडकण्य वन है, यहाँ हमेशा लोग नहीं आते। उसके बाद भी बाबा इतने पहाड़ के ऊंचाई पर यहाँ पर रहकर जो प्रभु श्री राम वनवास मार्ग के जो एक प्रमुख स्थान है श्री रामसेज गुफा, उसकी रक्षा कर रहे, देखभाल ही कर रहे। तो जब आए थे तो इधर शेर रहता था, इधर शेर सोवे आता था गुफा के अंदर। अच्छा अच्छा, इधर जानवर भी, जंगली जानवर भी रहते थे। जानवर तो रोज बकरी मकड़ी तो रोज ही खा जाते थे वे। अच्छा अच्छा, अब नहीं है। गाय एक दो दिन में रोज काटते थे उनसे। और जब आप यहाँ पर श्री राम जी के दर्शन कर लेंगे तो देखिये यहाँ से एक रास्ता है नीचे, यहाँ अंदर से ये देखिए, इसे बाण गंगा कहते हैं। ये जो है यहाँ से सीढ़ियाँ गई है नीचे, देखेंगे आप पानी का कुंड है और ये गुफे के नीचे काफी दूर तक, काफी अंदर तक, ये बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो ये जो कुंड है इसके ऊपर आप देख रहे हैं, ये प्रभु श्री राम जी का मंदिर है और मंदिर के नीचे आपको ये कुंड के दर्शन होंगे। ऐसे कह रहे हैं पंडित जी कि यहाँ पे तीन कमरे हैं, पहला ये है, दूसरा आगे है, तीसरा इससे और आगे है। इन तीनों कमरों में पानी भरा हुआ है, तो बिल्कुल मंदिर के नीचे आपको ये दर्शन होंगे बाण गंगा के। और अभी यहाँ पे बाहर जो है बारिश शुरू हो गई है, तेज़ बारिश हो रही है, तो मैंने पंडित जी से छतरी ले लिया है और ये छतरी लेके हम चलते हैं ऊपर। और यहाँ पर रामसेस के किले पे और जो जगह है वो मैं आपको दिखाता हूँ। शाम का समय है और ये बारिश हो रही है बाहर, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये यहाँ से रास्ता है, चलते हैं ऊपर। वहाँ नीचे मंदिर है और मंदिर से दर्शन करके आप ऊपर आएंगे। यहाँ पे देखिए बोर्ड लगा है मुख्य प्रवेश द्वार, और यहाँ से फिर आपको खुला मैदान मिल जाता है। ये पूरा खुला मैदान है, हम रामसेज किले के ऊपर वाले भाग में आ गए हैं। ये किले में आने का जो प्रवेश द्वार था ये था, यहाँ से पहले गुफे में प्रवेश किया जाता था। आगे आप देख सकते हैं प्रवेश द्वार के बाहर ही सीधा आपको खाई दिखेगा, यहाँ पे टेनली बुरुज लिखा है, यहाँ पुराना बुरुज होगा, उसके यहाँ पे अवशेष हैं। ये पत्थर आप देख रहे हैं, यहाँ पे बोर्ड लगा, और ये प्रवेश द्वार से फिर आगे ऐसे अंदर जाया जाता है। यहाँ पर आपको सिर्फ मखमली जो घास है और फूल मिलेंगे, यहाँ पर आपको काटे का कोई भी एक पौधा नहीं मिलेगा,
तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत हरियाली है। अभी महाराष्ट्र में बरसात का सीज़न चल ही रहा है, उसके वजह से यहाँ पे और ज़्यादा हरियाली लग रही है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत जगह है। और यहाँ पे देखिए ये हत्ती दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा नीचे की तरफ है। चलते हैं यहाँ पे और दिखाता हूँ मैं आपको हत्ती दरवाज़ा जो है। यहाँ पे कमल की डिज़ाइन बनाई गई है ये हत्ती दरवाजे पे, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। और हल्दी भी चढ़ाई हुई है यहाँ पे, तो लोग यहाँ पे इस जगह को मानते हैं शायद, इसलिए यहाँ पे हल्दी लगा है। और यहाँ से ये आगे जाने का रास्ता, हत्ती दरवाजा से आप अंदर आएंगे तो देखिए यहाँ से ये सीढ़ियाँ नीचे उतरती है, काफ़ी बड़ी है, ये उतरने में भी थोड़ा मुश्किल है, बहुत लंबी सीढ़ी दी है। और यहाँ से ये नीचे जा रहा है रास्ता, और वहाँ पे एक चोर खिड़की है। इस सीढ़ियों को भी बनाया गया है बहुत विशेष ध्यान रख के कि जो नज़र रखने के लिए यहाँ से जो है नीचे नज़र रखा जाता था। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यहाँ से नज़र रखा जाता था। तो इस तरीके से यहाँ पर से जो है मुगल पे जो मावले थे वो नजर रखते थे, इन सीढ़ियों से नीचे उतरकर देखा करते थे कि नीचे क्या हलचल चल रही है, सेना क्या कर रही है। तो ये एक यहाँ पे चोर दरवाजा है, आगे चलता हूँ, बहुत संभाल के आपको आना पड़ेगा, बड़ी सीढ़ी है। और इसे इस तरीके से बनाया है कि अगर कोई दुश्मन यहाँ आ भी जाए तो उन्हें पता ना चले कि कहाँ से निगरानी की जाती है, कहाँ से देखा जाता है। जो नीचे मैंने आपको खिड़की दिखाई वहाँ से फिर ये आगे भी रास्ता गया है। यहाँ पे आप देखेंगे पत्थर, ये सारे जो पत्थर पड़े हैं, ऐसे पत्थरों से हमला किया जाता था नीचे की तरफ। आप नीचे देखेंगे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से आने वाले सैनिकों पे नीचे जो है हमले किए जाते थे। पंचवटी में जो हमने कालाराम मंदिर के दर्शन किए, वो कालाराम मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो यहाँ के ही राम से इसके पत्थरों से ही हुआ है। यहाँ के पत्थरों को काट कर लेकर गए वहाँ पर, और वहाँ पर मंदिर बनाने में इन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। उसमें भी जो पत्थर को चुनने का जो उनका पद्धति था वो ऐसा था कि दूध को जो है वो गर्म किया जाता था और उन दूध में उन पत्थरों को डाला जाता था। जिन पत्थरों में दरार आती थी या कुछ दाग आती थी तो उन पत्थरों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, जो साफ पत्थर है उन्हीं पत्थरों को मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल किया गया। तो आप यहाँ पे राम से आएंगे तो देखिए ऐसे यहाँ पे काला पत्थर मिलते हैं, इन्हीं पत्थरों से जो है काला राम मंदिर जो है वो काला राम मंदिर का निर्माण हुआ है। ये ऊपर जाने का रास्ता है, आगे चलते हैं। यहाँ पे बोर्ड लगा है गणेश कुंड, जब मावले यहाँ पर रहते थे उस समय ये जो कुंड है, ये जो पानी है, इसका इस्तेमाल पीने के लिए किया जाता था। और यहाँ से जैसे आप आगे आएंगे यहाँ पे भी कुंड है, आपको यहाँ पे भी कुंड मिलेंगे। यहाँ पे तीन कुंड है, एक कुंड यहाँ है, दूसरा कुंड वहाँ है, तीसरा कुंड आगे है। ये कुंड जो है अभी भी यहाँ का जो पानी है पीने योग्य दिख रहा है, क्योंकि नीचे तक की जो ज़मीन है वो दिखाई दे रही है, तो ये साफ पानी है यहाँ पे। यहाँ गणेश कुंड से आप वहाँ आगे देखेंगे तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, यहाँ से आपको पूरा नासिक शहर दिखाई देगा, पूरे नासिक शहर का दृश्य यहाँ से दिखाई देगा, बहुत ही सुंदर जगह है ये। आगे चलते हैं, यहाँ से आगे जाने का रास्ता है। ये देखिए ये यहाँ पे चोर दरवाजा है, चोर खिंड है, तो ये चोर दरवाजा का रास्ता है। जाऊँ मैं अंदर? YouTube चैनल का नाम? हाँ, तो ये चोर दरवाजा था, एक मैंने आपको चोर खिड़की दिखाया, और यहाँ पे ये चोर दरवाजा था जो जहाँ से चुपके से जो मराठा थे वो नीचे जाते थे, या जो उनकी मदद के लिए जो सेना आती थी वो चुपके से यहाँ पर पहुँचती थी। तो देखिए ये यहाँ से रास्ता था, चोर रास्ता, नीचे सीढ़ियाँ हैं। और यहाँ से देखेंगे तो मुगलों को ये रास्ता पता ही नहीं था, पूरा खुला जगह है ये। और यहाँ से ये जो रास्ता था इसमें से चुपके से वो किले में प्रवेश करते थे। यहाँ पे देखेंगे ये गेट था, ये गेट को बंद कर दिया जाता था और यहाँ से फिर किले में प्रवेश होता था। पानी तेज़ हो गई है, तेज़ बारिश हो रही है, तो मैं यहाँ से पहले मंदिर की तरफ चलता हूँ, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और आगे मंदिर के पास पहुँचता हूँ। देवी जी का मंदिर है यहाँ पे एकदम ऊपर है, तो वहाँ पे चलता हूँ। ऐसे ही घास में से आपको चलते हुए आगे जाना है। और ये देखिए ये यहाँ पे माँ भवानी जी का मंदिर, ये जो मूर्ति है ये उस समय से है, ये प्राचीन मूर्ति है, जब यहाँ पर राम से इसकी लड़ाई हुई थी तब से यहाँ पर माँ भवानी जी की ये मूर्ति है। और ये मंदिर है जो यहाँ पर जो मावले थे उन्हें ये जो मूर्ति थी ये उन्हें शक्ति देने का काम करती थी। और इसके ठीक सामने आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की यहाँ पर मूर्ति बनाई गई।
दोस्तों 1680 ईस्वी में महाराष्ट्र के आराध्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। छत्रपति शिवाजी महाराज ही एक ऐसे राजा थे जिससे औरंगजेब जो था वो बहुत परेशान था। काफी सालों तक मराठाओं और मुगलों के बीच में लड़ाई चल रही थी और हर लड़ाई पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी जो है वो औरंगजेब को भारी पड़ रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु की खबर जब औरंगजेब ने सुनी तो उसने सोचा कि ये सही मौका है मराठाओं पे कब्जा करने का और मराठाओं को हराने का। ये जो जगह है नासिक, ये उस समय औरंगजेब के कब्जे में ही था, यहाँ पर मुगलों का ही कब्जा था। तो उन्होंने सोचा कि मराठाओं की जो जान है वो उनके किलों में रहती है, क्यों ना मराठाओं के हम एक दो किलों को तुरंत कब्जा कर ले, जिसके वजह से मराठा डर जाएंगे कि हमारे राजा नहीं रहे तो अब हमारे सारे किले हार रहे, मराठाओं का मनोबल गिरेगा और वो मुगल सल्तनत के सामने झुक जाएंगे। तो औरंगजेब ने सबसे आसान किलों पर हमला करने का एक प्लान बनाया, क्यों ना रामसेस के किले पर हमला किया जाए, क्योंकि रामसेस का जो किला है वो बहुत छोटा किला है और वो हमारे ही जो शासन के इलाके में है, तो हम आसानी से एक दिन में इस किले को जीत सकते हैं। तो औरंगजेब ने सलाहुद्दीन फिरोज जंग नाम के अपने एक सरदार को यहाँ पर 40,000 सेनाओं के साथ हमले के लिए भेज दिया इस रामसेस के किले पे, और सलाहुद्दीन ने कहा कि मैं एक दिन में ये किला जीत कर आऊंगा। सलाहुद्दीन अपनी सेना को यहाँ पर लेकर आया, उन्होंने यहाँ पर पहला आक्रमण किया और उस आक्रमण का जवाब यहाँ पर किले पर उस वक्त 600 जो मावले थे, मराठे मावले तैनात थे, उन 600 मावलों ने पत्थरों से जवाब दिया। यहाँ से बड़े बड़े पत्थर नीचे फेंके गए, जो सेना ऊपर आ रही थी जो 40,000 की सेना वो उन पत्थरों से डर के फिर नीचे लौट कर भाग गई। उसके बाद सलाहुद्दीन ने बहुत बार कोशिश की इस किले पर चढ़ने की, वो अलग अलग रणनीति बनाता, अलग अलग योजनाओं से इस किले पर आने की कोशिश करता था। रात के समय में, रात के अंधेरे में वो आने की कोशिश करते थे, लेकिन हर बार यहाँ पर जो तैनात 600 मावले थे पत्थरों से हमला करते थे और उनके सेना को आने नहीं देते थे। जो सलाहुद्दीन एक दिन कह के आया था कि एक दिन में किला जीत लूंगा, लगभग 2 साल तक वो संघर्ष करता रहा, अलग अलग तरीके इस्तेमाल करता रहा, लेकिन वो इस किले के ऊपर कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद औरंगजेब ने सलाहुद्दीन को यहाँ से हटा दिया और सलाहुद्दीन के जगह पे एक और बहादुर सेनापति बहादुर खान को यहाँ पर भेजा। बहादुर खान भी यहाँ पर आया, उसने भी कई तरह की कोशिश की है, उसने यहाँ पर नीचे जो आप देखेंगे बड़े बड़े लकड़ी के बुरज बनाए, उसके ऊपर तोप और गोला बारूद लगाए और वहां से हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पर हमला नहीं कर पाया। बहादुर खान भी लगभग 2 साल तक यहाँ पर कोशिश करता रहा, लेकिन वो रामसेस के किले पे नहीं चढ़ पाया। उसके बाद फिर औरंगजेब ने अपने एक और सेनापति कासिम खान को यहाँ भेजा और कासिम खान भी आया और कासिम खान के हाथ में भी ये रामसेस का किला नहीं लगा और ये रामसेस का किला जो रहा ये अजिंक्य ही रहा, ये कभी मुगलों के हाथ में नहीं आ पाया। तो दोस्तों ऐसी ये कहानी है इस किले की और मराठाओं के वो 600 जवानों की जिन्होंने इस किले की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, उनमें से कई लोग यहाँ पर शहीद भी हुए। अभी इस किले के ऊपर एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है बैटल ऑफ रामसेस, बहुत जल्दी वो फिल्म आ जाएगी, तब आपको इस किले के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। ये सारे जो स्थान है ये अभी भी इतने प्रसिद्ध नहीं है जितना इन्हें होना चाहिए। महाराष्ट्र में तो रामसेस बहुत प्रसिद्ध हो चुका है, लेकिन बाहर के स्टेट में अभी रामसेस किले के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। तो दोस्तों अभी मैं किले के प्रवेश द्वार के पास फिर से आ गया हूँ, जहाँ पर श्री राम जी का मंदिर था और मंदिर से जहाँ से हम ऊपर आए थे मुझे वहाँ तक जाना था। आपको पीछे एक झंडा दिखाई देता होगा, लेकिन अभी यहाँ पर पूरा घास है और पूरे किले के ऊपर मैं ही हूँ। यहाँ पर जितने लोग थे वो चले गए क्योंकि यहाँ पर तेज़ बारिश हो रही थी, मौसम भी अभी बरसात वाला है, अंधेरा भी हो रहा है, तो वहाँ जाने में मुझे लगता है और 15-20 मिनट लगेंगे जाके आने में, इसलिए मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। किले का अंतिम कोना जो है वो उस तरफ है जहाँ पर वो झंडा है। तो दोस्तों ये है रामसेस किला प्रभु श्री राम मार्ग में स्थित एक पौराणिक और ऐतिहासिक स्थान। नासिक शहर से लगभग ये 20 किलोमीटर दूर है और पंचवटी से जो है ये 12 किलोमीटर है। नासिक के CBS बस स्टैंड से यहाँ आने के लिए लगातार बसेस चलती है, आप आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। आप कभी जब नासिक की यात्रा में आए तो आप यहाँ पर रामसेस किला पे भी आ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हमारी ये वनवास मार्ग यात्रा और आगे चलने वाली है, ऐसे ही आपको मैं प्रभु श्री राम से जुड़े हुए जो तीर्थ स्थान है उनके दर्शन कराते रहूंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय, गुड डे, सी यू, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय छत्रपति शिवाजी महाराज की।